झूमर दरबार में आमंत्रित करना चाहूंगा परम आदरणीय मेरे अग्रज भाई संजय जी मित्तल को भी आए और दरबार को अपने मधुर स्वरों से आह्वानित करें भाई संजय जी मित्तल। जो जिनकी प्रसादी रह गई हो वो कृपया प्रसादी ले लें, ये यहाँ की आयोजक परिवार की तरफ से उनको विनती है। आदरणीय संजय जी हो बोलिए सच्चे दरबार की जय जयकार तो तब लगाते हैं कोई थका हुआ होता है। बोल श्याम प्यारे की तो लग रहा है कि हाँ आप और हम दोनों बराबर फ्रेश हैं। श्याम का नाम एक ऐसी कुंजी है जो थकावट को दूर भगा देती है। ये हम आज 56वां दिन है, 56 दिन से महसूस कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, यात्रा से पहले बाबा की कृपा से कई बरसों से कीर्तन बाबा करवा रहे हैं। 5-7 दिन लगातार कीर्तन करते हैं, लेकिन 5-7 दिन के बाद में ये फील होने लगता है कि अब थोड़ा रेस्ट चाहिए, 1-2 दिन का बीच में गैप चाहिए। दिन शाम साक्षात सामने खड़ा है, आज 56वां दिन है। सिर्फ दो ही काम रहते हैं, सुबह उठकर चलना है और रात को कीर्तन करके सोना है। और दिल से बताऊं 40 किलोमीटर भी चले, एक दिन ऐसा भी आया, 2 दिन ऐसे आए, एक दिन 40 चले, एक दिन 38 चले, 35 तो 3-4, 5-7 दिन चले, 30 भी कई बार चले, लेकिन 40 किलोमीटर जिस दिन चले उस दिन भी जब इसके सामने पहुंचे तो लगा कि बिल्कुल सुबह उठकर आए, अभी नहा धोकर एकदम। प्रेमियों, बाबा के सामने बैठकर अपने आप को हमेशा फ्रेश महसूस किया करो, हमेशा फ्रेश रखेगा। कभी भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं महसूस होने देगा कि आप आज थक गए। आइए बाबा के दरबार में रोज कोई ना कोई ऐसा दुखियारा मिल रहा है जो कहता है कि भजन के माध्यम से अर्जी लगा दीजिएगा। यही एकमात्र साधन है जहां पर सुनवाई होती है, कीर्तन। कीर्तन करने वाले जब बाबा को सुनाते हैं भजन, देखो ये इसको आप सवामणि से रिझाने की कोशिश करना, मुझे नहीं मालूम इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सोने चांदी से रिझाने की कोशिश करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे लेकर इसको देते हैं, लेकिन दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, सारी कायनात इनकी बनाई हुई है। कुछ लोग बोल देते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। मुझे सोच पर उनकी हंसी आती है, सूरज शाम को डूब जाता है,
चंद्रमा पर भी ग्रहण लग जाता है, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए आधी रात को भी उजाला कर देता है। इनसे चांद और सितारे हैं, सूरज चांद सितारे इनसे हैं, सूरज चांद सितारे से हमारा बाबा नहीं है। प्रेमियों, इसका दरबार, सारी कायनात इन्होंने बनाई है, ये सब कुछ कर सकता है। पलक झपकते ही आपके पलक नहीं झपकेगी उससे पहले कर देगा, और आपका कितना ही बड़ा से बड़ा काम, आपको लग रहा है कि मेरा काम इतना बड़ा है कि शायद इसको अगर पूरा होगा नहीं, और अगर होगा भी तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन इनकी नजर में सिर्फ एक नजर का खेल है। आपके पलक झपके कि नहीं, इन्होंने चाह लिया तो आपके पलक झपकने से पहले आपका काम तैयार है। तो बताओ फिर इसको किस चीज का प्रलोभन दे सकते हैं, दे सकते हैं किसी चीज का कि बाबा तुझे भोग लगाएंगे, अरे जो रोटी का निवाला मिल रहा है चुपड़ी वो भी देसी घी की, इनकी कृपा से मिल रही है, मकान दिया तो इनकी कृपा से, छत आपके सिर पर इसने बनाई, इसको क्या छतर चढ़ाओगे, ठीक है। लेकिन एक काम है जो ये नहीं कर सकता है, ये भजन गा नहीं सकता, ये भजन सुन सकता है, और कसम श्याम की जो बाबा को भजन सुनाता है उसकी पुकार जरूर सुनता है बाबा। आजमा कर देखो, रोज नियम बना लो कि मुझे बाबा को एक भजन सुनाना है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिस दिन, जब तक आप ये सोचोगे कि मुझे एक भजन सुनाना है ये फॉर्मेलिटी के तौर पर, तब तक तो पता नहीं सुनवाई होगी कि नहीं, लेकिन जिस दिन रूटीन में आ जाओगे कि जैसे दिन की रोटी खानी है, रात को रोटी खानी है, रात को सोना है, सुबह उठकर 10 बजे ऑफिस खोलना है, जिस दिन उस रूटीन में आ जाओगे उस दिन से आपको घेर कर चलने लग जाएगा। बहुत सी अर्जियां रोज कोई ना कोई दुखियारा मिलता है, उनकी आस बन गई कि बाबा जा रहे हैं, रोज कीर्तन हो रहे हैं, क्या पता किस कीर्तन में कोई अर्जी लग जाए। तो आइए ऐसे ही कोई दीवाने, कुछ दीवानों की ये अर्जियां इस भजन के माध्यम से निवेदन करूंगा। श्री श्याम कला भवन आपका कोटि कोटि नमन करता है आपको, जंगल में मंगल बना दिया आपने, भरतपुर वालों का बहुत बहुत आभार, आगरा वालों का बहुत बहुत आभार, और जयपुर से जिनकी सोच, जिस दिन से फागुन मेला 2018 में ये अनाउंस हुआ कि यात्रा चलेगी, उस दिन से जयपुर वाले और खासकर हमारे विमल भैया उस दिन से इस यात्रा के लिए पलक पावड़े बिछा दिए। हम इनको कभी फोन नहीं करते, इनके बराबर फोन आते हैं कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो आप सबको नमन है, आप सबकी भावनाओं को नमन है, आप सबकी सोच को नमन है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये किसी संस्था के लिए आप नहीं कर रहे हो। श्याम कला भवन तो एक नाम है, लेकिन है ये बाबा का काम, चाहे वो आगरा वाले हो, चाहे झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, जहाँ जहाँ के लोगों ने अपना एक सेकंड भी इस यात्रा के लिए दिया है ना, मैं दिल से कहता हूँ वो सेकंड बाबा ने नोट कर लिया है। जब दरकार पड़ेगी तो इसका उत्तर देने के लिए श्याम जरूर आएगा। आइए दीवाना कहते हो बाबा से, कभी लो खबर हमारी, कभी हाल पूछ जाओ मेरे श्याम, आ जाओ घनश्याम, आ जाओ। बोलो, कभी लो खबर हमारी, कभी हाल पूछ जाओ मेरे श्याम, घनश्याम आ जाओ।
करके दोनों हाथों को उठाकर कहते ना ठाकुर आ जाओ बाबा।
किस्मत भले न माने निर्मल तुम मान जाओ मेरे श्याम अब किसी ने अपने मन ने एक सवाल किया मन ने ही सवाल किया जब किस्मत ही ताकतवर है तो फिर शाम को क्यों पूजेगा कोई किस्मत बनी आपके पिछले कर्मों के कारण बैलेंस है भाई देखिए मोबाइल है ना आप तो मोबाइल सोचते हो कि 20 साल 25 साल से आया मोबाइल चिप लगा है सारा डाटा फ्यूड है लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो ठाकुर के जमाने से है जब से इंसान बनाया तभी ये चिप बना दिया इंसान आता है चिप लग कर आता है और इंसान जाता है सब कुछ खाक हो जाता है लेकिन वो चिप नजर नहीं आती लेकिन वही डाटा हमारा ऊपर जाता है तुरंत ऊपर वाले ठाकुर के कंप्यूटर में वो डाटा फीड होता है कच्चा छीटा सामने नजर आता है सीआरडीआर दोनों बराबर तालमेल बिठाया जाता है अगर क्रेडिट बैलेंस आपके अकाउंट में है आपको नीचे मोदी जी की तकदीर लिखकर भेज देगा मोदी जी ने कोई थोड़ी ए टी एम बन गई इस जन्म में कुछ किया होगा
पिछले जन्म में अच्छा किया है, लेकिन अगर किस्मत खराब है ना तो श्याम क्या करता है, श्याम किस्मत बदल नहीं सकता। लेकिन पैरेलल किसी आदमी से बड़ा होना हो तो उसको खत्म मत करो, एक लाइन एक लकीर खींची हुई, आपने सभी कहावत पढ़ी ना, एक इतनी बड़ी लकीर है उसको अगर छोटा करना है लकीर को काटने की दरकार नहीं, नीचे बड़ी लकीर खींच दो। श्याम के दरबार में जाओगे ऐसा बना देगा कि गलत काम आपके हाथों से नहीं होगा। इस जन्म के अंदर में भी, पिछले जन्म में अगर आपने 100 गलत काम किए हैं, इस जन्म के अंदर में हर सेकंड के अंदर में अच्छे अच्छे कामों के अंदर में आपको डाल देगा, और इसी जन्म के अंदर में आपका क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाएगा, और जिस दिन डेबिट बैलेंस खत्म होगा क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाएगा, उसी दिन से सुख के दिन पलटने लग जाएंगे। यही मेरे श्याम का काम। किस्मत भले न माने निर्मल तुम मान जाओ, मेरे श्याम आ जाओ, घनश्याम आ जाओ। बोल साचे दरबार की, रोज ठाकुर को बस इतना ही कहना, श्याम नजर मत आना लेकिन आना, नजर मत आना लेकिन आना। आइए एक प्रेमी बाबा से, और क्या कहता है बाबा मंदिर में पहुंचकर। बाबा तुम्हें भुला दे, बोलिए वो दिन कभी ना आए, बाबा तुम्हें भुला दे। बाबा ने पूछा, अच्छा इतनी बड़ी चीज कह रहा है, दावे से कह रहा है कि तू मुझे नहीं भूले, लेकिन अगर तू भूल गया तो तेरी सजा भी क्या होनी चाहिए ये भी तू ही बता दे। उसने कहा, बाबा वेरी सिंपल, कर जो तुम्हें भुला दे, कर जो तुम्हें भुला दे तो हस्ती मेरी मिटा दे। बोलो कर जो भुला दे तो हस्ती मेरी मिटा। उसने कहा, बाबा तेरे सिवाय मेरे पास है क्या, मेरी हस्ती तेरे से है। सड़क पर था, आपने हाथ पड़क पकड़कर आसमान पर बैठा दिया, इतनी इज्जत इतनी शोहरत दी, इसके बाद भी अगर मैं आपको भूल जाता हूं तो मैं इंसानियत की श्रेणी में नहीं आता। अगर मैं आपको भूल जाऊं तो मेरी हस्ती मिटा देना, क्योंकि आपको भूलकर मैं जिंदा रहूं ये अब नहीं चाहूंगा। कौन कौन चाहता है कि बाबा को कभी नहीं भूले, पूरे हाथों से मिलकर तालियां बजाकर बोलना, वो दिन कभी ना
जब माँ की याद थी आई गोदी में तूने बिठाया।
कोर्ट के बारे में सुना है। बिमल भैया बैठे हैं, जब कोई मुजरिम जज के सामने खड़ा होता है, लाखों एविडेंस सामने रखे होते हैं, फिर भी वो कहते हैं नहीं मैंने गुनाह नहीं किया। और छोटे मोटे पेटी केस के अंदर में तो सुना है, जज के सामने पहुंचो और कान पकड़कर कह दो माई बाप गलती होगी, तुरंत ग्रांटेड कर देता है ना, यही होता है। जितनी देर लगाते हैं उतनी देर पेनल्टी बढ़ती जाती है और जमानत मिलने में समय लगता जाता है। इस अदालत में कभी भी जाना प्रेमी हो, देखो मैं कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं हूं, महसूस किया सब जगह झूठ चल जाएगा। इस अदालत में जब भी हम खड़े होना, जो गुनाह किया है एडमिट कर लें, सिर पर हाथ रखेगा। तालियां बजाओ। सिर्फ ये कहने की दरकार है बाबा, गुनाह हुआ है मुझसे, मैंने किया गुनाह। आप मुझे ऐसा बना दो बाबा कि अब मैं कोई गुनाह नहीं करूं। Thank you.
श्याम, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? नहीं, तालियां नहीं, मुझे लग रहा है कि आप लोग में से बहुत से लोग डाइवर्टेड हैं। कॉल डाइवर्ट तो चलता है कि मैं बाबा के दरबार में बिजी हूँ, कॉल डाइवर्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, कॉल डाइवर्ट किया करो, अपने को डाइवर्ट मत। देखो इस पोल को मत छूना भैया, आगे भगत जी बैठे, डाइवर्सन हो जाए, वाइब्रेट हो जाएगा। देखो बस चार लाइनें और सुनाऊंगा, उसके बाद आरती होगी, क्योंकि रोज बेटा बैठ जाए, हेलो बाद में लेना, कीर्तन के बीच में कुछ मत किया। बड़े से बड़े संतों से पूछ लो, कुछ भी कर लो, पता नहीं क्या होगा, कीर्तन करो अच्छा ही होगा। महाराज सही है ना? नरसिंह भगत ने क्या किया? हम लोग तो आप लोगों को 100 कीर्तन के अंदर में कोशिश करते हैं कि एक भजन दोबारा रिपीट नहीं हो, कहीं आप बोर नहीं हो जाओ, लेकिन नरसिंह भगत को तो जिंदगी भर जब तक जिए तब तक एक ही लाइन गाई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो ठाकुर दौड़ कर आ गए। भक्त के भाव में इतनी ताकत थी कि भगवान चले आए और चरण दबाने लगे भक्त के, होश नहीं रहा। भजन में बहुत ताकत है, भजन किया करो, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। विमल भैया, अभी इंडिया में जो दौर चल रहा है, सच बताऊं 20 साल 25 साल 30 साल के नौजवान जो हमारे बाबा की तरफ झुके हैं ना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूं, डाइवर्ट मत हो और कोशिश करो इसका नाम यहां बसाने की, इसका सहारा लेकर अपने नाम का दीपक जलाने की कोशिश मत किया। आप अगर इनकी शरण में रहोगे तो आपका नाम अपने आप चमका देगा, और जिसका नाम ये चमकाता है ना, वो कभी दिया बुझता नहीं है। लेकिन जो अपना नाम खुद चमकाने की कोशिश करते हैं, साल दो साल पांच साल टिमटिमा जाता है, लेकिन फिर पता भी नहीं चलता, दीपक का भी पता नहीं चलता, बाती का भी पता नहीं चलता। फेसबुक व्हाट्सएप अच्छी चीज के लिए है, लेकिन उसको इतना भी ऐसा भी मत करो कि उससे कोई गलत मैसेज जाए। शाम जगत के अंदर में वही चीज आप डाला करो जिससे मेरे बाबा के बारे में लोगों को अच्छा ही पता चले। आगे मैं क्या कहूँ भैया, एक बहुत प्यारा भजन है, क्या पता कोई टूटा कोई हारा, कोई लूटा पिटा कोई मारा, दरबार में बैठा हूँ, इस भजन को सुनने से क्या पता उसके मन का विश्वास और बढ़ जाए। कीर्तन क्यों करते हैं? किसी एक कीर्तन में अगर एक नया प्रेमी का विश्वास जग गया, बस कीर्तन सफल हो गया, श्याम सब पर कृपा कर देता है। भगवान जब आते हैं ना, जिस रास्ते से आते हैं वो सारा रास्ता तर जाता है। अगर हमारे घर आएंगे तो हमारे पड़ोसी का भी बेड़ा पार हो जाएगा। आप किस्मत वाले होगे अगर आपके बगल में कोई श्याम प्रेमी रहता है, आपके बुलावे पर नहीं भी आया, अगर उसके भाव में कशिश है और उसके बुलावे पर बाबा आ गया, तो भी आपका बेड़ा पार है। वरना लोग तो यहाँ पर कहते हैं बाबा मेरी एक फूटे, बगल वाले की दोनों फूट ली चाहिए, लेकिन ऐसे भाव रखने वालों के पास नहीं आता। लेकिन अगर कोई ऐसा भाव रखता है ना कि बाबा मेरा काम बाद में बना देना, ये मुझे ज्यादा दुखियारा नजर आ रहा है, इसका पहले बना देना, उसका एक काम बनाता है आपको 100 काम बना कर जाएगा। जिंदगी का भरोसा है। हालांकि ये बातें शमशान में जाते हैं ना हम लोग, वहां पर समझ में आती है, बाहर निकलने के बाद भूल जाते हैं। सच्चाई यही है प्रेम, एक पल का नहीं भरोसा, संचय करो, अपने लिए संचय करो, अपने परिवार के लिए संचय करो, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा भी करो किसी और का भला होगा।
जिस बच्चे ने अपने बाप का मुंह नहीं देखा, 6 महीने का बच्चा है, बाप मर गया, पलेगा नहीं क्या? पलेगा, पलेगा होगा। और बाप ने भले ही जीते जी जिंदगी में कुछ किया ना किया हो, ऐसे बहुत से इंसान देखे हैं जिनके सर पर माँ और बाप का साया नहीं रहता है, होश संभालने से पहले से नहीं होता है, लेकिन बहुत ऊंची उड़ान उनको मिलती है, ठाकुर की कृपा होती है। इसलिए प्रेमियों, भजन कीर्तन करने का मकसद यही है कि कम से कम शाम तक खुश होता है। जब शाम के किसी बंदे को आप खुश कर दोगे तो शाम भी खुश हो जाता है, शाम भी देखता, देखो इस बंदे ने आज उस मेरे उस प्रेमी के लिए आज काम कर दिया, मुझे जाना था। अब बताओ मुझे अगर जयपुर में काम पड़ जाए, मैं कलकत्ता से जयपुर आऊं, या तो मैं ट्रेन में आऊं 30 घंटे लगेंगे, फ्लाइट में आऊं 10,000 आना 10,000 जाना 20,000 लगेगा, और अगर शाम का कोई प्रेमी बिमल भैया बैठे हैं, यार आप लोग कोई भी जयपुर वाले बैठे हो, एक टेलीफोन खुड़का दिया, बिमल भैया हमारा काम कर दो, या मैंने बाबा को पुकारा, ठीक है, और अगर मैंने बिमल भैया को या जयपुर के किसी भी श्याम भक्त को पुकारा, या आगरा वाले अनूप भैया को पुकारा, या कहीं कभी किसी प्रेमी को पुकारा और उसने तुरंत मेरा काम कर दिया, तो बाबा देखिएगा क्या बात है, आज इसने मेरे को रिलीज कर दिया, नहीं मुझे दौड़ के जाना पड़ता और काम बनाना पड़ता, मेरा एक एजेंट वहां बैठा है, बाबा आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देगा उसी में। कोई नया आवे को दुनिया में थर काम सावरियो काम बनाओ, बोलो जद कोई नया सावरियो। कौन कौन मानता है ऐसा होगा? बस आखिरी पुष्प है, सारे मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलेंगे क्या सावरियो। I'm
बार सुना लो अपने दिल की बात। शीशे जैसे दिल को पत्थर मार कर चूर चूर कर देंगे, काम नहीं है। इसके सामने खड़ा हो जाओ और कहना बाबा से, जिस हाँ तुझे तो पता ही होगा, तुझे तो पता ही होगा।
सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, साल भर से जा रहे हैं, हर ग्यारस को जाने लगे आजकल, हमारा काम नहीं बनता, उसको क्या जवाब दो? भाई मेरा तो पहली बार में बना, अब तेरा नहीं बना तो मैं क्या बोलूं? तू शायद गया ही था इसलिए कि सौदा खरीद कर ले आऊं, सिर्फ सौदा खरीदने गया था, शाम से मिलने नहीं गया था। ये दरबार तो वो दरबार है, यहां जाकर तो बिन मांगे मिलता है, लेकिन तू मंदिर पहुंचा नहीं उसके पहले बड़ी बड़ी चीजें बोलना शुरू कर दिया। सीढ़ियां चढ़ते समय तू ये नहीं सोच रहा कि मैं बाबा के पास जा रहा हूं, तू तो ये सोच रहा है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूं। जिस दिन हम सिर्फ बाबा से मिलने जाएंगे, जिस दिन हम बाबा से रिश्ता बनाने जाएंगे कि बाबा मुझे अपना बना लो, हालांकि मैं काबिल नहीं हूँ आपके, लेकिन मुझे अपना बना लो, जिस दिन ये बोलने जाओगे ना, आपको कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ेगी। हर काम बिना बोले बनेगा, समय से पहले बनेगा। हर महीने की ग्यारह 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 बारह ग्यारह तो क्या बोलते हो, पहली ग्यारह जाओगे नहीं, उसके पहले ही बाबा कुछ ऐसा कर देगा कि आप हर ग्यारह को दौड़ कर जाओगे, बीच में भी समय मिलेगा तो दौड़ कर चले जाओगे। साचा दरबार रखेंगे, ये दरबार आजमाने का नहीं है, ये दरबार कुछ करने का है। दिल में समाई रखकर अगर इस पर पूर्ण विश्वास करके अगर इस दरबार में जाकर सिर्फ झुक कर कहते बाबा आपने मुझे बुलाया, आपका शुक्रिया बाबा, कृपा रखना फिर बुला लेना बाबा, जैसे रखना रखना, लेकिन अपने दरबार से दूर मत रखना। कोई भी बाप अपने बेटे को मुफलिसी में नहीं जीता देख सकता, हर बाप चाहता है कि उसका बेटा खूब खुश रहे, और अगर आपने बाबा को अपना बाप बना लिया और बाबा ने आपको अपना बेटा बना लिया, कहीं भटकने की दरकार ही नहीं होगी। बोलिए सांचे दरबार की। प्रेमियों, आप लोगों ने जो प्यार बरसाया है, आज जो यहाँ पर पूरी व्यवस्था हुई भरतपुर वालों की तरफ से, मैं एक बार श्री सुनील जी शर्मा, आपने जो प्यार बरसाया है, जो व्यवस्था की है और जो बाबा का आगमन किया है, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलकर आपके भावों को छोटा नहीं करूँगा,
लेकिन प्रवीण जी खोजदास, मैं निवेदन करूंगा कृपया एक बार वो दरबार में पधारें और श्री श्याम कला भवन के स्वर्ण जयंती उपलक्ष्य में आज ये पद यात्रा और इस पद यात्रा के स्वरूप एक सम्मान प्रतीक चिन्ह और बाबा का एक सॉल उठाकर सम्मानित करेंगे। देखिए कोई नहीं जाए, 5 मिनट आरती में लगेंगे, पर एग्जाम दे दिया, रिजल्ट तो लेकर जाओ, फल नहीं लेके जाओ, कितनी देर ठंड में बैठे रहे, अरे कुछ तो लेकर जाओ। आइए प्रवीण जी दरबार में हाजिर है और मैं निवेदन करूंगा बाबूलाल जी काबरा जी से एक बार वो खड़े होकर। संस्था की तरफ से एक सॉल और बाबा का एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। सुनील जी शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा एक बार। मैं विजय मस्करा जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया वो बाबा का शॉल उठाकर बाद आरती होगी। महाराज माल तो करो संजय भैया, राजस्थान सभी बैठे रहे, बैठे बैठे आरती करें बाबा की। आरती करके सिंहासन सिर पर चवर दूरे हो
हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित लगाए दास पागल करना में रखियो मन की लाज। जन्म गुनारो देश है खाटू नगर सुनान, अनुपम जब श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मेरे तो श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में उत्सव भारी हो, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। बापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी लाए जी अदर सुगंध भरपूर, सब भक्तन की विनती दर्शन से बहुजूर। श्याम बहादुर प्रेम से आलू सिंह की तो प्रेम से अरे श्याम को ध्यान। कला भवन पावे सदा श्याम कृपा से मान, सब श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। तेरा अपना कुछ नहीं जो कुछ है सो कोई, तेरा तुझको सौंप दे लागत है मोय। बाबा सब कुछ मान लियो जो कुछ मेरे पास, दोने नाम मान लियो हरे दर्श की आज। दोने नाम मान लियो हरे दर्श की आज। दोने नाम मान लियो हरे दर्श की आज। चमेवा माता चपिता चमेवा।